हेलो सर एंड मैम्स, वेलकम टू पूरी पाठशाला। आज हम लोग कुछ ऐसे बुक्स पर फोकस करने वाले हैं जो आपकी आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम की तैयारी में प्रैक्टिकली काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। जी हाँ, मैं उस बुक के बारे में बात नहीं करूँगा जो मोस्ट रिप्यूटेड हो, बेस्ट सेलर हो या जिसमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हो, क्योंकि ये सब बुक तो आप अपने डिप्लोमा या बीटेक के दौरान पढ़ा ही होगा। तो ऐसे बुक से शुरुआत करते हैं जो आपको आरबी जेई बनाने में एक कदम आगे ले जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बुक से। देखिए, यहाँ मैंने हिंदी मीडियम के बारे में बताया है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बुक के बारे में बताया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इंग्लिश मीडियम इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट बुक देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला बुक। तो पहला बुक आज का निकल के आ रहा है उपकार ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो इस बुक को मैंने क्यों लिया है, इस बुक को लेने का ये कारण है कि ये बुक में जो है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया गया है इसमें। ये डिप्लोमा कैंडिडेट के बीच, आईटीआई कैंडिडेट के बीच काफ़ी पॉपुलर बुक है उपकार ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखिए, मैं और भी काफ़ी बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा, और जिन जिन बुक्स का मेरे पास अवेलेबल है उनका अंदर में कैसा कंटेंट है ये भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपके लिए वीडियो फायदेमंद साबित होने वाला है। तो देखिए, पहला बुक जो लिया था उपकार का ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसमें कलेक्शंस काफ़ी अच्छा है प्रश्नों का, और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम है। ये इस बुक की एक खराबी है, इसमें प्रश्नों की संख्या कम है। बुक्स छोटा जरूर है, क्वेश्चंस कम है, पढ़ने में आपको आसान लगेगा, मज़ा आएगा, लेकिन क्या जेई के कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है? तो जी नहीं, ये कवर नहीं करता है, जेई के कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करता। हालांकि बुक पतला है, सस्ता है, इसका लिंक अगर आप ये लेना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा अमेजोन से, या फिर आप अपने लोकल स्टोर से भी ले सकते हैं, लेकिन ये कवर नहीं करता है पूरी तरह से रेलवे जेई के सिलेबस को। हाँ, डिप्लोमा लेवल पे जेई लेवल के इस एग्जाम में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का अच्छा कलेक्शन है, लेकिन जेई के कंप्लीट सिलेबस को, 2019 आरबी जेई के कंप्लीट सिलेबस को ये कवर नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस बुक के बारे में। इसका अच्छा खासा रेटिंग है अमेजोन पे, इसलिए मैंने इस बुक को लिया है। तो इस बुक में कैसा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी ऐसे अप्रेंटिस वगैरह। तो देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर रेलवे के अप्रेंटिस के, आपके टेक्नीशियन के क्वेश्चन, साथ ही साथ आरएलबी जेई के भी क्वेश्चंस, के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसमें, काफ़ी अच्छा है। बुक ठीक है, इसमें गलतियां कम। हाँ, एक बात बता दूं कि इस बुक में, यानी उपकार वाली बुक में आपकी गलतियां थोड़ी हैं, थोड़ी ज़्यादा है। आमतौर पे सभी बुक में गलतियां होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी अच्छी ज़्यादा गलतियां हैं इसके मुकाबले। इसमें गलतियां इसके मुकाबले कम है, लेकिन नंबर ऑफ कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ ये एक बुक पे रिलाय करके, ये बुक के भरोसे आप एग्ज़ाम में क्या जा सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि इसमें आप एक बुक के भरोसे एग्जाम पे नहीं जा सकते हैं। ये बुक या ये बुक लेके आप कंप्लीटली इस पे ट्रस्ट करके एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। चाहे तो ले सकते हैं, सस्ती बुक है, पढ़ने में मज़ा आएगा आपको, आसान है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है। अगर लेने का मन है, पॉपुलर बुक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 60-70% क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन 100% कवर नहीं करेगा, ठीक है? तो आपको ऐसा बुक चाहिए जो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। तो चलिए अगला बुक के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगला बुक जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक मैंने देखा और मुझे काफ़ी मज़ा आया इस बुक को पढ़ के, और ये काफ़ी अच्छा बुक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही रिफ़र करता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि इस बुक से ही पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। देखिए, इस बुक के अंदर कैसा है, कलेक्शन कैसा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस बुक का इंटरनल पेज के फोटोग्राफ्स के थ्रू। तो इस बुक के बारे में थोड़ा बता दूं, ओवरव्यू दे दूं। देखिए, ये बुक जो है दो पार्ट, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू में आता है, अमेजन पे आपको मिल जाएगा। इलाहाबाद पब्लिकेशन का है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स जो है अपने आईएएस के बुक्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, आईएएस का बुक्स निकालता है। इसमें क्या गलतियां हैं, तो जी हाँ, कहीं कहीं गलतियां हैं, लेकिन ऐसी गलतियां हैं जो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं हुई है तो भी आप पढ़िएगा, दो बार तीन बार रिवीजन कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गलतियां हैं लेकिन कम है, तो ये बुक आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है, इसमें अच्छा कलेक्शन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वालों के लिए है। 2018 और 2019 तक का कलेक्शन है, लेकिन है 2018
का क्वेश्चंस का कलेक्शन 2018 में एक्चुअली पब्लिश हुआ है, तो 2017 तक के जितने एग्जाम है सबका कलेक्शन आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू में लगभग लगभग 10,000 क्वेश्चन है दोनों में, मतलब लगभग मिला के 20,000 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में लेके जाते हैं तो लगभग आपका 95%, मैं कहूंगा 90-95% आपका सिलेबस ये कवर करता है ये दोनों बुक। इसमें कंप्यूटर भी है, डिजिटल भी है, साथ ही साथ इसमें आपका मेजरमेंट भी दिया हुआ है, अच्छा खासा बेसिक इलेक्ट्रिकल है, नेटवर्क थ्योरम है, आपका ये इलेक्ट्रिकल को अच्छे से कवर कर रखा है। और क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सिर्फ हिंदी में है, बता दूँ एक्सप्लेनेशन हिंदी में है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, इसमें क्या क्या कलेक्शन दिया हुआ है, देखिए SSC JEE UP राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का JEE है, राजस्थान JEE बिहार NTPC RRB JEE भी है, यहाँ देखिए RRB JEE लिखा हुआ, RRB भी, रेलवे JEE भी है, UPPSC है, PGCL, PSU JEE, पावर कॉर्पोरेशन है, मेट्रो है, ये सब मतलब दिल्ली मेट्रो, मतलब आपके JEE लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, साथ ही साथ AE लेवल के भी एग्जाम होते हैं। देखिए इस बार कंपटीशन तगड़ी होने वाली है, मान के चलिए आप तो AE लेवल का आपने देखा था टेक्नीशियन के एग्जाम जो अभी रेलवे हाल ही में हुए, तो उसमें अच्छा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिया गया था, न्यूमेरिकल्स भी दिए गए थे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स थे जिस कारण काफी लोगों को परेशानी हुई थी। तो इसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि AE लेवल के भी न्यूमेरिकल्स बनाने चाहिए, इसमें AE लेवल का भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जो छोटे न्यूमेरिकल्स है टफ न्यूमेरिकल्स पर ध्यान नहीं देना है, तो इसमें आप AE लेवल का न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएंगे, तो ये आपके काफी काम आने वाला है। अब ये इस बुक के अंदर कैसा है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो चलिए देखते हैं अंदर कैसा। देखिए ये इस बुक का कंटेंट्स है, विषय सूची है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट है, वैद्युत मशीन यानी इलेक्ट्रिक मशीन, देखिए आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा सिंक्रोनस मशीन को एक अलग से लिखा गया है, सिंक्रोनस मशीन से अच्छा खासा क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें भी सिंक्रोनस मशीन का अच्छा खासा कलेक्शन है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। सिंक्रोनस मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन टू है, इलेक्ट्रिक मशीन वन है, इसमें DC वाले ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, साथ ही साथ पावर प्लांट इंजीनियरिंग मैंने आपको जैसे बताया था, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रश्न हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टू यानी डिजिटल के भी प्रश्नों का अच्छा कलेक्शन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल के भी प्रश्न है, ये आपका वॉल्यूम ये वन का है, वॉल्यूम टू में बाकी के जितने सारे बचते हैं आपके वो वॉल्यूम टू में उसका कलेक्शन दे दिया गया है। देखिए एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपका कैलकुलेटर अलाउ है, JEE के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, इसका मतलब ये आप लगा सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स आने की संभावना है, तो मैं ये बुक आपको रिकमेंड करूंगा, ये बुक पढ़िए और 20,000 क्वेश्चंस को अच्छे से, मतलब आपको अच्छे से याद होने चाहिए, याद होना चाहिए इन द सेंस ऑफ कि आपको समझ में तो आना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको याद भी होना चाहिए, आप क्वेश्चंस देखें साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव पे तुरंत टिक लगा सकें, एग्जाम के अंदर आपको सोचने का समय ना लगे सोचने में, तो ऐसा आपकी तैयारी होना चाहिए। आप इस बुक को 15 से 20 बार तक रिवीजन करके जाइए, आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। अब देखिए इस बुक के अंदर क्वेश्चंस की तरफ आपको ले चलता हूँ, क्वेश्चंस कैसे, तो देखिए ये पहला चैप्टर है विद्युत मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन का, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, द जनरेटर हैज पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो हिंदी में भी जनित्र के बारे में लिख दिया गया है आपका, लिख दिया गया है और आपका ये भी बताया, तो सीरीज मोटर का होता है आप जानते होंगे पुअरेस्ट होता है वोल्टेज रेगुलेशन, तो देखिए इस तरह से इसमें दिया हुआ है, कब पूछा गया है BSNL TTA, देखिए यहाँ लिखा हुआ है BSNL TTA, TTA क्या होता है, JEE लेवल का BSNL का एग्जाम होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो JEE लेवल का सारा क्वेश्चन। अब आप पूछेंगे कि सर आपके RRB JEE में तो नहीं पूछा गया, तो भैया आपके RRB JEE में तो आपके RRB का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में ग्रुप D, या फिर आप ले लो ये आपके टेक्नीशियन के जो एग्जाम हुए थे, तो उसमें तो आपका ALP एग्जाम में जितने प्रश्न थे वो प्रीवियस ईयर प्रश्न थे क्या RRB के, नहीं, प्रश्नों का पैटर्न बदल रहा है, नए जमाने के साथ चलना सीखिए, सारे प्रश्न पढ़ के जाइए, तैयारी करके जाइए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2019 में अपने हाथ में आप ज्वाइनिंग लेटर देखना चाहते हैं RRB JEE की, तो आपको सारे प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी और आपको खुद को प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि हर तरह के प्रश्न पढ़ने हैं आपको, झारखंड का हो चाहे BSNL का हो चाहे UP का हो चाहे MP का हो चाहे DMRC हो चाहे LMRC हो, आपको हर कुछ पढ़ के जाना हो, ये नहीं सोचना है कि कोई BSNL में पूछा गया JEE लेवल का है या AE लेवल का है। हाँ AE लेवल का अगर बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न है, बहुत ज़्यादा जैसे एक्टिव रिएक्टिव पावर में आपको पता होगा कि साइन के साथ उसमें एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर फाई का वैल्यू कुछ ऐसा दे दिया गया है जिसको आप नहीं निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर के, वर्चुअल कुछ दिया गया है, आई का वैल्यू दिया गया है, तो आप उसे विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर के नहीं निकाल सकते हैं, तो वैसे प्रश्न आप इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए आप, लेकिन जो प्रश्न है जो आपसे बन जाएंगे, भले AE लेवल में भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो वो प्रश्न आपको करके जाना है, ये बात आप जान लीजिए। इसके अलावा और एक बुक के बारे में आपको बताना चाहूंगा, देखिए JEE का आप एग्जाम बैठने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है JEE सा,
जेई का, तो ये आपको देखना चाहिए। तो वो कौन सा बुक आप पढ़ें ये मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए, ये एक विली पब्लिकेशन का बुक है, विली पब्लिकेशन का बुक मैंने देखा था, तो ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें इंग्लिश हिंदी का कलेक्शन है, ये हिंदी वाले कलेक्शन है, इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। सॉल्व प्रैक्टिस पेपर है, 17 वर्षों का हल प्रश्न पत्र है, 3 प्रैक्टिस सेट है, वर्तमान परीक्षा पैटर्न पर आधारित टेक्निकल नॉन टेक्निकल विषय का समावेश है। तो विली का बुक ले सकते हैं, लोकल मार्केट से चाहे तो ले सकते हैं, अमेजन से भी ले सकते हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप ले लीजिए, लेकिन पढ़िए अच्छे से पढ़िए ये बुक। चाहे तो आप प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की भी आती है हिंदी मीडियम की, तो आप आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्लेटफॉर्म का ले लें, या फिर यूथ कंपटीशन टाइम का जो मैंने बुक दिखाया था इसकी भी प्रीवियस ईयर बुक आती है आपको दिख, तो ये देख लीजिए, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का प्रीवियस ईयर है, इसमें आरआरबी जेई एग्जाम के क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको एक बार जरूर देखना चाहिए मेरे अनुसार। आप चाहें तो इसको लेके इसको भी एक बार देख सकते हैं। देखिए, अपने तरफ से कोई कमी मत रखिए, हर तरफ से तैयारी करके जाइए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी कर बना के जाइए। ये नहीं करना है कि पूरी तरह से मेहनत करना है, आलतू फालतू के क्वेश्चन में इधर उधर के किताब पढ़ते जा रहे हैं, खुरमी पढ़ते जा रहे हैं, एसचंद पढ़ते जा रहे हैं, थेरेजा पढ़ते जा रहे हैं, इधर उधर की बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, राजपूत पढ़ रहे हैं। राजपूत हालांकि अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव वाली, लेकिन आप सब्जेक्टिव बुक्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, भीमराव पढ़ रहे हैं, मशीन्स की बुक पढ़ रहे हैं, जे बी गुप्ता पढ़ रहे हैं, ये वो नहीं करनी है आपको। आपने वो अपने बीटेक डिप्लोमा के समय पढ़ा था तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपके पास होगा, ये किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, लेकिन होगा। तो अब आपको काम करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इन सारे बुक्स जो मैंने बताया है इनको पढ़िए, तभी आपको फायदा होगा, ये आप मान के रखिए, और मेरी एक्सपीरियंस है उसी से मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको उन्हीं बुक्स पे ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।